नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ अंजलि जायसवाल। खबर है कवर्धा से, जहां देहांडी निवासी राधु पटेल अपनी पत्नी व अन्य रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल में सवार होकर मंगलवार को लोहारा बाजार से खरीदी करके घर वापस आ रहे थे। तभी ओडिया खुद हाई स्कूल मेन रोड में रात 7 बजे रोड में बैठे गाय से मोटरसाइकिल टकरा गई, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल में बैठी लखनी पटेल उत्तरा पटेल गिर गई। लखनी पटेल के सिर में गंभीर चोट लगने से खून बह रहा था, साथ ही उत्तरा पटेल को भी चोट आई थी। सभी को लोहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहारा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि राधु पटेल की पत्नी लखनी बाई की मौत हो गई है। घटना के बाद 112 संजीवनी को भी फोन लगाया गया, लेकिन समय पर गाड़ी नहीं पहुँचने से और ज्यादा खून बहाव के कारण प्राइवेट गाड़ी से हॉस्पिटल पहुँचाया गया। महिला लखनी की मौत के बाद बुधवार को सुबह 1099 पर डायल कर परिवार के लोगों ने कॉल किया तो कहा गाड़ी लेट से आएगी, जबकि हर जिले में राज्य शासन से मुक्तांजलि गाड़ी उपलब्ध रहता है। ऐसे में मृतक के परिजन बारिश में परिवार के 6 लोगों ने स्ट्रेक्चर में उठाकर पीछे के रास्ते से हाई स्कूल मैदान से होते हुए 300 मीटर की दूरी तय कर मर्चुरी पहुंचे, जहां मृतक का पोस्टमार्टम हुआ ताकि सिस्टम का पोल ना खुल सके। लेकिन सच्चाई कहां छुपती है, क्योंकि ये सब नजारा तो मीडिया का तीसरा कैमरा देख रहा था, जो हम अब जनता जनार्दन और प्रशासन को दिखा रहे हैं। अब यह बताना लाजमी होगा कि नियम यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की मौत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में होता है तो पंचनामा के बाद उस व्यक्ति का शव मर्चुरी ले जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग या पुलिस विभाग की जवाबदारी होती है। लेकिन यहाँ नजारा कुछ और ही दिखाई दे रहा है, जो नियम के विरुद्ध है। मृतक के परिवार वालों को ही स्ट्रेक्चर में पैदल लगभग आधा किलोमीटर मर्चुरी भेजा जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डेड बॉडी को मर्चुरी छोड़ने के लिए स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के लिए भी जवाबदार कर्मचारी नहीं दिख रहे हैं। इसलिए तो कहा गया है कि आज की दुनिया में सबसे सस्ती चीज कोई है तो वो है मौत। तो ये सब नजारा देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं शासन और प्रशासन इस घटना को कितना संज्ञान में लेता है। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा की ये खास रिपोर्ट। तो वैसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21 आपके हक की बात।